हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने बात करी थी फॉरगेटफुलनेस पे, आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पे। एक्चुअली हमने बात करी थी कि 60 इयर्स के बाद जब भूलना शुरू होता है उसको हम नॉर्मल मानते हैं, उसको समझते हैं कि ये ओल्ड एज की निशानी है और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो कि धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है और गंभीर तरह की समस्या का रूप ले लेता है। एक्चुअली आप सब ने सुना होगा, ओल्ड एज को प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है। उसको इसलिए प्रॉब्लम एज कहा जाता है क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भूलना, ये सब कॉमन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और तरह की कई कैटरैक्ट, सुनाई कम देना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ओल्ड एज में आती हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनमें लो मूड या डिप्रेशन इतना कॉमन होता है कि वो किसी से बात नहीं करते और ना ही अपनी प्रॉब्लम को किसी को बताते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ओल्ड एज में इंसान को लगता है कि वो अब बेकार हो गए हैं, अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसको रिटायरमेंट एज भी बोलते हैं। उनको लगता है कि उनकी वर्क कैपेसिटी कम हो गई है, फीमेल्स को भी लगता है, मेल्स को भी लगता है, वो घर से निकलना कम हो जाते हैं, अपने एक ही चार दीवारी में कन्फाइंड हो जाते हैं। कई बार तो हमारे क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि हम तो अब घर के चौकीदार हैं, हम और कुछ करने के काबिल नहीं हैं। जब मरीज ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स दे रहा है, दैट मीन्स कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी एंग्जाइटी है, मे बी डिप्रेशन है। और कई बार मरीज एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है। अक्सर क्या होता है कि जो यंग पीपल होते हैं, घर में बच्चे होते हैं या ग्रैंड सन या डॉटर्स होती हैं, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और किनारा करना शुरू हो जाते हैं हमारे बुज़ुर्गों के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एक्चुअली सॉल्यूशन ये है कि उनको कोई चाहिए होता है बात करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है कि हम एक मील एटलीस्ट इकट्ठा खाएँ, तो अगर हम उस एक मील में हमारे दादा दादी हैं या हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी साथ लेके खाना वगैरह खाएं, तो उससे उनको अपनापन लगता है, उनको लगता है कि देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो ये जो टाइम है ना, टाइम जो हमारे पास नहीं है अपने बुजुर्गों के लिए, टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू गिव हाफ एन आवर एवरी डे टू योर पेरेंट्स और योर ओल्डर पीपल हु आर एट होम, तो आधी प्रॉब्लम उनकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। बिकॉज इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि उनके अंदर क्या है। उनकी बातें जब हम उनसे करेंगे तो उनकी बातों से ही हमें समझ आएगी कि कोई समस्या है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको लगता है कि उनमें याद भूल रहा है उनको, या कोई भी ऐसी बातें वो नेगेटिव कर रहे हैं, दैट मीन्स इमीडिएटली इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली उनको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए। उनके कुछ रूटीन टेस्ट हर 3 महीने या 6 महीने में होने चाहिए, जो कि अक्सर हम भी इग्नोर कर देते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ऐसे क्यों जाना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी ही याद भूलता है। अगर हम रेगुलर चेकअप्स कराते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स या याद भूलने की प्रॉब्लम को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये समस्या पेशेंट के लिए तो होती ही है, उनको पता ही नहीं होता वो कहाँ हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनका केयर गिवर है उसके लिए ज़्यादा समस्या बन जाती है। वो इतनी गंभीर समस्या ना बने तो अर्ली इंटरवेंशन करके हम इनिशियली अगर ट्रीटमेंट करा लें तो हम उनकी लाइफ को एक अच्छा पड़ाव, अच्छा मोड़ दे सकते हैं, उनकी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स बताऊंगी जो जनरल है, जैसे कि सबसे पहले एक्टिव लिसनर बनना, अपने पेरेंट्स, अपने आसपास जितने बुज़ुर्ग हैं उनकी बात को सुनना, एक उनका रूटीन सेट करना। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। उनकी सोशलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उनके कुछ आप फ्रेंड्स या उनके ग्रुप बनाएं जिनमें वो जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, रोज़मर्रा की बातें कर सकते हैं। एक छोटी सी उनको पॉकेट डायरी दें जिसमें वो रोज़ की डे, डेट, मंथ, ईयर लिखें, अपनी छोटे छोटे टू डू लिस्ट लिखें,
कई बार ये काम मैंने करने हैं, ये चीज मैंने इधर रखी है, तो अगर वो डेट डाल के नोट डाउन करेंगे उनको भी वो झिझक नहीं आएगी, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, याद रहेंगी छोटी छोटी चीजें, उनकी जनरल चीजें जैसे कि उनका पर्स, उनकी स्पेक्स, उनकी मोजे, चप्पलें, ये छोटी छोटी चीजें, कीज अगर कहीं रखते हैं, तो एक घर में एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो चीज़ रखनी है, ताकि उनको बाद में इतनी मुश्किल ना होए, उलझन ना होए चीज़ों को ढूंढने के लिए। इसके अलावा छोटी छोटी हम गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ, कोई पजल गेम हो गई, कोई छोटी सी क्रॉसवर्ड हो गई, जिससे वो मेमोराइज कर सकें। अक्सर हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी घर में कोई पुरानी एल्बम, या आजकल तो फ़ोन पे ही सब पिक्चर्स या वीडियोस होती हैं, तो अपने कोई रिश्तेदारों की पिक्स उनको दिखा के उनके नाम पूछने, ऐसी छोटी छोटी अगर एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनको मेमोराइज करने में आसानी होगी। अगर हम उनको, जैसे उन्होंने सुबह क्या खाया, रात में क्या खाया, ऐसे छोटे छोटे सवाल रिपीट करेंगे, पूछेंगे, तो छोटी चीज़ें वो याद रख सकते हैं। हम उनको एक एक्सरसाइज में ज़रूर डालें, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, छोटी सी वॉक पे ले जाएं, क्योंकि फिजिकल वीकनेस ओल्ड एज में बहुत होती है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 10-15 मिनट साथ जाके उनको वॉक करा लें, फिजिकली अगर वो एक्टिव होएंगे और मेंटली थोड़ा सा एक्टिव होएंगे, तो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम उनसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप लास्ट मूवी कब देखी, आप कहाँ गए थे, उनकी कोई हॉबी, फॉर एग्जाम्पल किसी को निटिंग अच्छी लगती है, किसी को गाने सुनने अच्छे लगते हैं, तो उनकी जो हॉबी है, जो म्यूज़िक है, वो उनको ज़रूर पास में लगा के दें, ताकि उनको वो अकेलापन भी ना लगे, और उनकी जो लग रहा है उनको, उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है कि मुझे अब याद नहीं रहता, या मैं बहुत बीमार हो गया हूँ या बीमार हो गई हूँ, तो वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके किसी थेरेपी में डालें, ताकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके। ये छोटे छोटे टिप्स करने से हम उनकी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।